हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ पटेल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लाए हैं एंशियंट हिस्ट्री के लिए मॉडल पेपर है ये। आप गेस क्वेश्चन समझ सकते हैं आपके एग्जाम में जो आएंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने हिंदी के मॉडल पेपर बनाए, हिंदी के गेस क्वेश्चन दिए और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे हैं। और ऐसे ही आप यदि चाहे जो भी पढ़ाई किए हों, मैं जो क्वेश्चन दूंगा आपको वो क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। और मैं जितना बताऊंगा ये सारे वीडियोज इसके मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में आपको अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप लेक्चर भी एक बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपका सबसे पहले पहली यूनिट का। मैंने हर एक यूनिट के दो दो क्वेश्चन लाए हैं जैसा कि आपके एग्जाम में आता है, और एक एक प्रश्न करने होते हैं आपको, लॉन्ग क्वेश्चन हैं। और आपके एग्जाम के सिलेबस को भी घटाया गया है कुछ लेट सत्र स्टार्ट होने की वजह से, लेकिन आपका जो भी सिलेबस हो जिस यूनिट तक उतना ही करिएगा। पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फर्स्ट यूनिट का जो है आपका, मिस्र की सभ्यता तथा उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रमुख विशेषताओं में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिस्र की सभ्यता मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप लोग जाइए हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसका लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बता दूँ कि मिस्र सभ्यता जब आप लोग लिखेंगे उसकी प्रमुख विशेषताओं में आप लोग वहाँ के धर्म, वहाँ की साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ का जो क्षेत्र था या फिर वहाँ की जो भी चीज़ें उन्होंने कर पाया, जैसे उनकी विशेषताओं में आप लोग लिख देंगे जो प्राचीनता वहाँ की थी, वहाँ की नगर विन्यास क्या था, तो बहुत सारी चीज़ें हेडिंग वाइज आप लोग आंसर राइटिंग कर लीजिएगा। आप लोगों एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। पिरामिड भी वहाँ की, जो पिरामिड की जो भी चीज़ें थी, पिरामिड सभ्यता जो थी, पिरामिड काल था, वो सारी चीज़ देखिएगा। मेरा भी प्राचीन इतिहास सब्जेक्ट रहा है, ऐसे क्वेश्चन ये 100% आता है, ठीक है। और कला के क्षेत्र भी इसका ध्यान दे लीजिएगा। पहला क्वेश्चन बस इतना पढ़ लेंगे इसी में से क्वेश्चन फंसेगा, और एक्स्ट्रा मैं पहला क्वेश्चन में कुछ नहीं दूंगा क्योंकि ये 100% आना तय है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड यूनिट में जो आपको करना है वो है सुमेरियन सभ्यता और बेबीलोनियन की सभ्यता। जो सुमेरियन की सभ्यता है और बेबीलोनिया की सभ्यता है ये आ सकता है, इनकी प्रमुख विशेषताएँ सबसे ज़्यादा आपके एंशियंट हिस्ट्री में पूछा जाता है, प्रमुख विशेषताओं को बताइए, उसी में सारा निचोड़ है और वही पूछा जाता है। सभ्यताओं की जो विशेषताएँ उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और एक्स्ट्रा में यदि आप सेकंड यूनिट में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो असीरियन वासियों की जो उपलब्धियां हैं वो पढ़ लीजिएगा बस। और थर्ड यूनिट की बात हम करें तो थर्ड यूनिट जो है वो है आपका, थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है धर्म तथा जो दर्शन का क्षेत्र है उसके क्षेत्र में जो यूनान के उपलब्धियाँ हैं, यूनानियों की जो उपलब्धियाँ हैं उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने को आ सकता है। और इसी के संबंध में जो अगस्टम है, अगस्टम का क्या योगदान है उनकी सभ्यता में, यूनान की सभ्यता में, वो आ सकता है। बस इतना पढ़िएगा, बाकी थर्ड यूनिट में हमारे हिसाब से तो कुछ मत पढ़िएगा। एक्स्ट्रा में आप लोग अगर पढ़िएगा तो वो सिर्फ है आपका पेरिक्लीज, पेरिक्लीज का युग जो था वो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, बस ये, ठीक है। तीन यूनिट हो गया। और फिर से मैं कह दे रहा हूँ, यदि आप सभी अभी हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि अभी आपके एग्जाम आगे और सब्जेक्ट के बचे हैं उस सब्जेक्ट का आप हमारे इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। और लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको सुमेरियन सभ्यता, मिस की सभ्यता और सेकेंड पेपर के भी चोल वंश के बारे में, और इसके जो आपका रोम की सभ्यता इसके बारे में सारी मैंने वीडियो बना रखी है, और प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल पर मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ले लीजिएगा। और डायरेक्टली हमसे जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा मेरा, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। सोशल मीडिया पे आपको मैं बता दूं कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक जगह से हमसे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं, तो देखिए मैं बता देता हूँ कि चौथी यूनिट का जो क्वेश्चन है वो है आपका रोम की सभ्यता, रोम की सभ्यता तथा उनके जो, इसमें भी आपका अगस्टम के जीवन के चरित्र चित्रण के बारे में पूछ सकता है या फिर रोम के कानून पर आता है। रोम की सभ्यता पढ़ लेंगे, वहाँ के जो कानून थी, वहाँ की प्रमुख जो अन्य विशेषताएं थी, वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा और ये आपकी चौथी यूनिट से आ जाएगा क्वेश्चन। और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, पांचवी यूनिट से बता दें तो आपका परथुस्त्र, परथुस्त्र के जीवन वृत्त की शिक्षाओं के बारे में वर्णन करने को आ जाता है या फिर पार्थियन सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, प्रकाश डालिए, कुछ भी। तो ये आपकी पाँचों यूनिट की बस कुछ ही क्वेश्चन मैंने बताया है, दस क्वेश्चन बताना, पाँच यूनिट के दस क्वेश्चन बताना चाहिए, मैंने आठ ही क्वेश्चन लगभग बताए हैं और इतने में ही आपके चारों क्वेश्चन करने होंगे और चारों क्वेश्चन इसी में से फंसेगा, आप लोग देख लीजिएगा। और सेकंड पेपर भी मैं जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा और वीडियो के लेक्चर आप लोग जाके जब
ये सारी चीज़ों में से कुछ लेक्चर आपको अगर देखने होंगे तो मेरा ज़रूर देखिएगा लेक्चर, और बताइएगा एग्ज़ाम दे आने के बाद कि आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए गए में से फंसे हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा कि अगला वीडियो किस विषय पर बनाना है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।